शुगर दिख गया है टाइम से है? यार अभी वो वाला वड़ा पाव नहीं मिल गया मेरे को, मैंने कितनी जगह ट्राई कर लिया। इसको पहले इसको देखते भाई, ये क्या चीज है, साथ में पेट्रोल पंप है और साथ में आग लगी हुई है। तभी तो गाड़ी की ना सर्विस करवा देते हैं अभी फिलहाल। अभी हम हैं मुंबई में और इसकी गाड़ी की सर्विस आ गई भाई, तो सर्विस करवा देते हैं, उसके बाद फिर आगे का सफर जारी करेंगे हम लोग। अरे भाई अभी तक मौसम कैसा था और अभी धूप देखो कितनी जोर की निकल गई है, मैं तो छांव में बैठ गया आराम से। तो सर्विस हो रही गाड़ी की और अभी निकलते हैं भाई गोवा की तरफ, तो देखते हैं कितना डिस्टेंस। 11 किलोमीटर कह रहा हूँ, सॉरी 11 घंटे की ड्राइविंग होने वाली है कंटिन्यू, अगर करूँगा तो, अदरवाइज तो मेरे को आराम से जाना भाई, तो आराम से ही जाएंगे। तो एक बार सर्विस करवा लेते हैं, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाएंगे भाई हम सर्विस होने के बाद में। मतलब एक गाड़ी की होगी सर्विस अपनी कंप्लीट, अब हम हो गए बिल्कुल फ्री और टेंशन फ्री भी हो गए। तो हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू इंडिया। भाई महाराष्ट्र घूम लिए, मेरे को महाराष्ट्र में लग गए 10 दिन के आसपास लग गए मेरे को महाराष्ट्र में। तो अभी देखते हैं और कहाँ निकलते हैं, कहाँ नहीं, कहाँ जाएंगे कुछ नहीं कह सकते भाई। इन आशीर्वादियों के साथ में है नहीं ना, ये लुक है भाई, ये जो नारियल के जो ये पेड़ है ना, अलग ही लुक देते हैं अपने को, अलग ही मजा देते हैं भाई। तो भी निकल लेते हैं भाई गोवा के लिए, और सामने के बादल देखो भाई क्या जबरदस्त लग रहे, क्या मस्त लग रहे बादल है सामने वाले हैं। मतलब सुबह सुबह कुछ नाश्ता कर लेते हैं यार, लेकिन ये यार क्या, ये नॉन वेज है यार, इसके करके रोका था, प्योर वेज था ये तो बंद है शायद, उधर से खुला होगा, चल पूछते हैं भाई। मुंबई क्रॉस कर दिया, पुणे क्रॉस कर दिया, खैर पुणे गया नहीं अंदर मैं, लेकिन मुंबई गया था और वो नॉन वेज था, ये वेज है। तो यहाँ बैठ के अपना आराम से चाय और एक वड़ा पाव लेके फिर आगे निकलेंगे भाई। थक गए यार, मतलब थक गए क्या, सर्विस करवाई ना गाड़ी की, तो वहाँ एक घंटा वेट किया तो थक गए भाई। यहाँ पता नहीं भाई क्या निकल गया, मुंगू कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ सांप है, सांप नहीं मुंगू है, देखते भाई निकलता है तो। क्या क्या था? नहीं मिला भाई कुछ भी, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। ये यहाँ की फेमस डिश होती है भाई वड़ा पाव, कुछ कुछ ये नाश्ता भाई सुबह का, ये चटनी है पाव वड़ा और ये लहसुन की चटनी और ये हरी मिर्ची, और इसको टेस्ट करते हैं भाई। यार अभी वो वाला वड़ा पाव नहीं मिल गया मेरे को, मैंने कितनी जगह ट्राई कर लिया, जिसको खा के ये लगे कि हाँ आज मैंने वड़ा पाव खाया भाई वो वाला। या तो मैंने जो फर्स्ट टाइम मैं मतलब जब व्लॉगिंग नहीं करता था तो मैंने कोल्हापुर खाया था भाई, तब से उसका टेस्ट है, और फिर पिछली बार मैं जब गोवा गया था नए साल पे तब मैंने खाया था पुणे की साइड, तो भाई क्या मज़ेदार था ना वो वड़ा पाव तो। लेकिन यहाँ वो चीज़ मिल नहीं रही यार, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा यार। कल की ना कुछ क्लिप्स थी, मैं वो दिखाता हूँ आपको और इन्जॉय करते हो, क्योंकि कल मैंने की थी भाई बोटिंग अपना मुंबई में, उन क्लिप्स को देखिए उसके बाद मिलते हैं भाई आपसे। तो फिलहाल है भाई हम शिप पर, और ये सामने देखो भाई कितना बड़ा शिप है, करीबन करीबन होगा ये 100 मीटर प्लस का, ये भाई कितना मीटर होगा ये बड़ा लंबा, 100 मीटर प्लस है ना, 200 मीटर, ये 200 मीटर बड़ा शिप है भाई। तो देख सकते हो भाई कितनी बड़ी शिप है ये, करीबन करीबन 200 मीटर बड़ी लंबी शिप है ये, चारों तरफ समुंदर और टापू और बारिश भाई, कल या परसों की जबरदस्त से चल रही है बारिश।
को ना ये सोच रहा हूँ कि या तो गोवा या केरला, वहाँ जाके और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से फील करूँ, क्योंकि मेरे को क्या दिखाना है भाई, मेरे को एक नाइट यहाँ पे स्टे करना है, चाहे उसके लिए 4-5 हज़ार रुपये जो लगते होंगे, जो भी होगा उनका एक्स वाई जेड, क्योंकि वो लेके जाते हैं। गोवा में ऐसा कुछ क्रूज वगैरह सिस्टम जो कि एक नाइट का मतलब स्टे कराते हैं समुंदर के अंदर, तो वो खाना पीना रहना वो उन्हीं का होता, फिर सिस्टम बोलते जिसको कैसीनो वगैरह होते हैं अंदर, मतलब वो अपनी चॉइस होती है क्या करना आप लोगों क्या नहीं, तो ये सोच रहे हैं भाई, देखते हैं। और बाकी भाई मज़ा आ रहा है यार, है ये चारों तरफ का सीन देखो भाई, क्या गजब सीन लग रहा है ना, चारों तरफ वैली वैली, मतलब वैली बोले तो पहाड़ पेड़ जंगल ऊंची नीची खाई, मतलब मजा आ रहा है यार ड्राइव करने में, है अब लग रहा है कि हाँ मैं, और ये रूट ना दिल्ली यार, ये रूट ना बॉम्बे टू गोवा वाला रूट है, और उस रूट से चल रहे हैं हम पुणे की साइड से नहीं जा रहे मेन हाईवे से, और बीच में मिलेगा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो ये रूट है ये बहुत पुराना रूट है भाई, बॉम्बे टू गोवा वाला, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, इसी रूट पे बनी थी वो मूवी भी, है मस्त सीन है ना, मस्त वाले जबरदस्त। और पूरे ये देखो पूरे पेड़ पे ना बेल का कब्जा भाई, ये बेल लटकी हुई है पूरे पेड़ के ऊपर, है फैली हुई, ये देखो भाई एक ना बड़ी प्यारी सी लोकेशन आ गई थी, तो करके गाड़ी रोकी, दिखाते है भाई सीन देखो, ट्रेन चल रही है भाई यहाँ तो शायद, लेकिन नजर नहीं आ रही कहाँ, आवाज तो आ रही नजर नहीं आ रही, फिर आ रही है ना, इस शायद इस ट्रैक के पीछे, इस घर के पीछे होगी वो रही वो दिख गई। चलो और सीन जिसके लिए रुके हैं भाई हम, अलग फील है भाई साउथ इंडिया की, मतलब साउथ इंडिया पहुंचा नहीं हूँ अभी मैं साउथ की साइड, लेकिन जो जो धीरे 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 मतलब अपना क्लियर होता जा रहा ना कि इस तरीके से व्यू मिलेंगे, फिर आगे ये मिलेंगे, फिर आगे इस तरीके से और व्यू मिलेंगे, तो वो स्टार्ट हो चुके हैं जो नारियल के पेड़ वगैरह वहाँ भाई, चारों तरफ इतने पेड़ हैं नारियल के बहुत ज़्यादा। तो चलो हो गया भाई, वेट किया मैंने यहाँ पे 10-15 मिनट आराम से खड़ा रहा, निहारता रहा इन वादियों को इन पहाड़ों को, बारिश बारिश बारिश, दो एक दिन का रेस्ट, एक दिन का तो खैर पूरा नहीं, लेकिन जितना भी रेस्ट किया धूप भी निकाल दी यार, लेकिन फिर से बारिश आ गई भाई, मजा आ गया बिल्कुल है। क्या बात है यार, बारिश स्टार्ट होगी अपनी, और एंजॉय और सफर दोनों बरकरार रहेंगे भाई, आप भी चैनल पर बरकरार रहना। अभी यार चाय और वड़ा पाव लिया था, अभी मन नहीं है कुछ भी खाने का, क्योंकि भूख नहीं है अभी फिलहाल, जब भूख होगी तो कुछ खाते हैं अभी ना। हाँ अभी एक काम करते हैं, अभी इंजॉय करते हैं, कैसे एक मुलाकात में बात ही बात में, ऐसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे में ना भाई, कभी सिंगल रोड हो रहे हैं, ये टूटे फूटे रोड मिल रहे हैं अपने को, लेकिन इनसे बड़ी बात पता क्या है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को और अच्छे लग रहे हैं भाई, कभी सिंगल रोड कभी डबल कभी टूटे फूटे कभी प्लेन कभी, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ये बोले कि मेरे को हाईवे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाई, मजा आ रहा है बिल्कुल, कंफर्टेबल फुल कंफर्ट जोन में चल रहे हैं भाई बिल्कुल है। अरे भाई ये क्या निकाल दिया एकदम, शुगर है दिख गया है टाइम से है। कोई नहीं अब आ गया बिल्कुल सिंगल रोड, और
भाई आग दिख रही है ये हैं, ये पता नहीं कैसे लगी हुई है ये आग, देखो भाई ये पता नहीं कैसे लग गई, आग है या सिलेंडर रखा हुआ पता नहीं क्या चीज है, जूम करके देखते हैं इसको। और इसके पीछे वाटरफॉल क्या जबरदस्त है, इसको पहले इसको देखते हैं भाई ये क्या चीज है, साथ में पेट्रोल पंप है और साथ में आग लगी हुई है, गैस वैस निकल रही है भाई, गैस कोई चिमनी वगैरह, मैं सोचा टावर में आग लगी हुई है, जो अपना मोबाइल वाला टावर होता है ना, मैं सोचा उसमें आग लगी हुई है, फिर जूम करके देखा है, इसका फायदा तो है यार जूम का 15 गुना बढ़ा देता है सही है भाई। और पीछे वाटरफॉल दिख रहे हैं भाई, अभी अब देखो ये दिख रहे है ना, क्या मस्त है यार, गाड़ी फुल करा लेते हैं अभी, मेरे को सोना है थोड़ी देर में, लगा के सो जाऊँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, गाड़ी लगा दो, गाड़ी उस साइड लगा दूँ, वो ऑटो के पास भी, नींद आ रही है यार बुजुर्ग की, चलो भाई थोड़ी देर सो लेते हैं यार, नींद पूरी नहीं हुई रात को। लो भाई अब उठे हैं, सो गए थे और शाम हो गई यार, टाइम क्या हो गया मैं बता देता हूँ आपको, टाइम 7:30 है, 10 मिनट होगी मेरे को उठे भाई, तो अभी पेट्रोल पंप पे ही है यहाँ पे, आज रात का यहीं पे स्टे अपना, और मुंबई से मैं जस्ट अभी आया हूँ 80 किलोमीटर के आसपास, ज़्यादा नहीं आया हूँ खैर, तो सुबह जाएंगे भाई गोवा के लिए, क्योंकि आज का जो पेंडिंग काम है वो सारा कंप्लीट करके सुबह जाएंगे गोवा के लिए, मैं देख इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन है ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, तो मैं बता रहा हूँ भाई अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं निकला हुआ हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पर, जिसमें मैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और 4 धाम यात्रा को आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो देखते हैं भाई कब तक कंप्लीट होती है, तो बने रहिए वीडियो पे, और आज कोई वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि पूरा इंडिया घुमाना आप लोगों को।